हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी रजनीश कर्ण पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गूगल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज जब पूरा भारत लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में है, तब और स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं और वर्क एट होम कहा गया है, तो वर्क एट होम में सारे टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गूगल क्लासरूम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप सारे स्टूडेंट जो भी आपके साथ आपके क्लासरूम में अवेलेबल हैं उनको आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये गूगल क्लासरूम जो है वो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत सारे टीचर्स के पास डेस्कटॉप घर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज के जमाने में हर किसी के हाथ में मोबाइल तो है, स्मार्टफोन है। तो हम आज स्मार्टफोन से का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के लिए, वो आज हम सीखते हैं। तो दोस्तों, आज इस गूगल क्लासरूम को हम सीखें और अपने अपने क्लास के लिए एक क्लासरूम क्रिएट करें और उस पे लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करें। तो आइए देखते हैं गूगल क्लास। आज सीखते हैं हम कि गूगल क्लासरूम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं वो कैसे गूगल क्लासरूम की मदद से वर्चुअल क्लासरूम का आनंद ले सकते हैं और सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। टीचर्स जो हैं नोट्स दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, अपने वीडियो लेक्चर के लिंक अवेलेबल करा सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमें गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड पे और iOS दोनों पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ प्ले स्टोर पे जाके हम गूगल क्लासरूम टाइप करेंगे। तो ये गूगल क्लासरूम जैसे ही टाइप करते हैं तो ऐसा, जैसे मैंने अपने मोबाइल में ये गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लिया है, तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा और लिखा होगा गेट स्टार्टेड। हमने इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो इससे आपके पास आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होंगे उस ईमेल आईडी से आपको ये साइन इन होने के लिए कहेगा। हमने जैसे यहाँ पे किसी एक ईमेल आईडी से हमने इसमें साइन इन होने की कोशिश की तो ऐसा एक इंटरफेस मोबाइल में दिखाई देगा गूगल क्लासरूम। ये अभी पूरा ब्लैंक है और यहाँ पे ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है, जिसको ध्यान से देखें कि ये जो साइन है ये यहाँ पे ये आप ध्यान दें, ये प्लस का साइन है। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास का कहे, जो स्टूडेंट हैं वो क्लास को ज्वाइन करेंगे और जो टीचर्स हैं वो क्लास को क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्लास क्रिएट करके बताता हूँ कि क्रिएट क्लास, अब यहाँ पे गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इसको आप पूरे ध्यान से पढ़ लें और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द नोटिस अबव एंड आई एम नॉट यूजिंग क्लासरूम इन ए स्कूल और यूनिवर्सिटी विथ स्टूडेंट्स। अब इसको जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्लास नेम, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लासरूम का नाम दे देता हूँ उसे फर्स्ट ईयर बीटेक, फर्स्ट ईयर बीटेक सेक्शन से सेट ए, सेट ए, रूम नंबर कुछ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे जैसे 101। अब सब्जेक्ट जैसे मैंने डाला यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसको जैसे क्लिक किया, अब यहाँ से हम इसको ऑप्शन को क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया क्रिएट क्लासरूम। देखिए ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे ही हम ये क्लासरूम क्रिएट करते हैं तो एक नया स्क्रीन हमारे सामने आएगा कि ये क्लास क्रिएट हो गई है फर्स्ट ईयर बीटेक सेट ए। अब आपको अपने क्लास के साथ क्या शेयर करना है, यहाँ पे लिखा है शेयर विथ योर क्लास। तो शेयर विथ योर क्लास, अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट देना है, कुछ लिखना है तो लिखा जैसे फर्स्ट लेक्चर
ऑफ बी डबल ई इज अवेलेबल। यहाँ सिंपली यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया, अब यहाँ से ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल हो गया। दोस्तों अब हम यहाँ से कुछ भी क्लास वर्क दे सकते हैं। अभी जैसे हमने कोई क्लासरूम क्लास वर्क क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ से हम क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं क्लास वर्क। ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से प्लस करेंगे तो आपको असाइनमेंट देना है या क्वेश्चन देना है या मटेरियल देना है या टॉपिक देना है कुछ भी, या पुराने किसी पोस्ट को आपको रीयूज़ करना है। अगर हमने असाइनमेंट पे क्लिक किया तो आप असाइनमेंट का टाइटल दे सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके लिए अगर कुछ मार्क्स असाइन करना चाहते हैं तो वो मार्क्स पॉइंट असाइन कर दीजिए। अगर कुछ ड्यू डेट डालना चाहते हैं कि इस असाइनमेंट को इस पर्टिकुलर डेट तक ही आपको सबमिट करना है, और उसका टॉपिक दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट के लिए है। अगर आप कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि वो कितने वर्ड्स में इसका जवाब देना है, या उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे टाइप कर दें। उसका कुछ ड्यू डेट है तो ड्यू डेट दे सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर है तो ये शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस किस तरीके का है वह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जैसे यहाँ से कुछ अगर मटेरियल देना चाहते हैं तो यहाँ पे मटेरियल उसका टाइटल क्या होगा वो टाइटल यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, उसका टॉपिक हम यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ अटैचमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे टाइटल जो है मैंने यहाँ पे डाला बी डबल ई में एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, इस पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट, टॉपिक कुछ असाइन करना चाहते हैं तो ऐड टॉपिक कर सकते हैं यहाँ पे उसमें, और जो भी चाहे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ अटैचमेंट देना चाहते हैं आप तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, ड्राइव से कुछ देना चाहते हैं, कोई लिंक देना चाहते हैं, कोई फ़ोटो कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई पीडीएफ, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो का एक लिंक देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे हम अगर यहाँ कोई लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड किया जैसे ही, तो ये लिंक जो है ये यहाँ पे ऐड हो गया कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा के कोई दूसरा लिंक देना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे अपने किसी वीडियो का या आपने कोई दूसरा किसी वीडियो का जो आपके पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का लिखा है तो इस पे मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो उसको मैं यहाँ पे उसका लिंक जो है यहाँ पे डालूँगा और वो स्टूडेंट इसको देख पाएंगे। तो जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने चैनल से, ये जैसे ये मैंने एक वीडियो बनाया था एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के ऊपर इसका लिंक, तो ऐसे ही आप कोई भी गूगल पे यूट्यूब पे अपने जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो अवेलेबल है तो उसकी लिंक आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकें। तो जैसे यहाँ पे ये मैंने शेयर किया कॉपी लिंक और यहाँ से मैं गया, तो यहाँ से मैं इसमें अटैच करता हूँ लिंक को, यहाँ पे ऐड करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ऐड कर दिया। तो देखिए नेटवर्क एनालिसिस ये, अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से पोस्ट करूँगा तो ये सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बी डबल ई एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। इसमें आप इस पर कोई अगर क्लिक करे तो ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल है ना, फर्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पे कुछ क्लास कमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम कुछ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कुछ दूसरे टीचर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे पीपल पे क्लिक करेंगे। आप कुछ टीचर्स को ऐड करना चाहें, तो यहाँ से हमने टीचर को ऐड कर दिया। उसका ईमेल आईडी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से एक टीचर को इनवाइट करने का एक लिंक भेज देता हूँ। और भी कुछ टीचर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरे टीचर को भी इसका लिंक जो है वो भेजता हूँ। तो यहाँ से सिंपली इनवाइट आपने कर दिया, तो उनको ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट को ऐड करने के लिए स्टूडेंट को लिंक भेजना पड़ेगा, उसकी ईमेल आईडी अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई ईमेल आईडी यहाँ टाइप करता हूँ मैं, जो इस पे मैं दूसरे एक मोबाइल से स्टूडेंट को कौन सा लिंक अवेलेबल होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिसर्च डॉट मध्यांचल, यहाँ से मैंने एक स्टूडेंट का ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दिया, उसको इनवाइट किया और उसको भेज दिया। अब ये इनविटेशन चला गया है। अब यहाँ से हम जब स्ट्रीम पे आते हैं, इस पे सारे स्टूडेंट को यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो है क्लास कोड। क्लास कोड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एक क्लास कोड मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये क्लास कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जब लिंक उसके पास जाएगा तो उससे ये क्लास कोड मांगा जाएगा। तो ये क्लास कोड बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट को आप ये क्लास कोड ज़रूर बता दें जो आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये हमने हटाया। तो इस तरीके से हम इसमें हर टीचर जो है अपनी क्लास के लिए जो है इसको इस क्लास कोड को क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, जो जो भी स्टूडेंट आपके लेक्चर के साथ कनेक्टेड होंगे उनको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप इससे असाइनमेंट, अपने वीडियो लेक्चर्स, अपने नोट्स को पीडीएफ में, इसको किसी भी माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट को एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। बस आवश्यकता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, तो सारे स्टूडेंट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना ईमेल आईडी शेयर करने के लिए कहिए, ताकि जब वो अपना ईमेल आईडी जब शेयर करेंगे तो आप ईमेल आईडी से उनको आप इनविटेशन का लिंक भेज पाएंगे। तो दोस्तों ये था, जब हम टीचर को जो क्लासरूम क्रिएट करेगा, क्लास क्रिएट करेगा। अब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे किसी क्लासरूम को पर्टिकुलरली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, टीचर वाले पार्ट का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अब हम आते हैं स्टूडेंट वाले पार्ट पे। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट को भी प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट के मोबाइल में ये गूगल क्लासरूम इंस्टॉल होना चाहिए, तो गूगल क्लासरूम यहाँ से जैसे मैंने इस मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है, इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ऐसा ही एक गूगल क्लासरूम का ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने आएगा, स्टूडेंट के सामने आएगा। स्टूडेंट इसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे हमें ज्वाइन क्लासरूम क्लास को शो करेंगे। अब यहाँ पे वो उनसे क्लास कोड पूछेगा, जिसको मैंने पहले बताया था कि ये स्टूडेंट को हमें बताना पड़ता है। तो जैसे जो मैंने क्लास कोड यहाँ पे जनरेट किया था, क्लास कोड है UKHDOQJ, सभी ये स्मॉल में दिया गया है। इसे हमें यहाँ पे डालना होगा क्लास कोड में, तभी आप स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर पाएंगे इस यहाँ क्लास को। मैं डाल के देखता हूँ DOQJ, जैसे किया तो यहाँ पे ये ज्वाइन क्लास पे यहाँ पे आया। देखते हैं ये स्क्रीन पे जैसे इस क्लासरूम को, तो यहाँ पे ये आ गया है, वो स्टूडेंट कनेक्ट हो गया है, फर्स्ट ईयर बीटेक सेट ए। वो इस मटेरियल को देख सकता है जो मटेरियल उस क्लास के टीचर ने यहाँ पे पोस्ट किया है। यहाँ पे न्यू मटेरियल पे जैसे वो क्लिक करता है, यहाँ पे उसको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, या जो भी टीचर ने जो भी नोट्स या जो डाले हैं वो उसको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से उस पर्टिकुलर टीचर के सारे क्लास नोट्स, असाइनमेंट को, सबको ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल
कैसे टीचर्स कर सकते हैं और कैसे स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इस वर्चुअल क्लासरूम का। दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट जब अभी घरों पे बैठे हैं कोरोना के भय से, तो इस क्लासरूम की मदद से उनकी, इस गूगल क्लासरूम की मदद से उनको पढ़ाई में कोई क्षति नहीं होगी। इसलिए टीचर्स भी अपने सारे लेक्चर, सारे वीडियोस इस पे डालें, इस गूगल क्लासरूम के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल दी रजनीशकरण को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें।